नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। शाह महमूद कुरैशी द्वारा सऊदी को आंख दिखाना भारी पड़ गया। पाकिस्तान के बर्ताव से सऊदी इतना चिढ़ा कि उसने तुरंत अपना पैसा वापस करने का फरमान जारी कर दिया। अभी तो केवल सऊदी अरब ने अपने पैसे मांगे हैं, इसके बाद यूएई पैसे मांगेगा, फिर बहरीन और बाकी खाड़ी मुल्क भी पाकिस्तान पर तगादा करने वाले हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $3 बिलियन के कर्ज के बदले $1 बिलियन की राशि वापस की है। इस कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की राशि उसके सदाबहार दोस्त चीन ने दी है। यानी कंगाली की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान को अब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान पर सऊदी की गाज गिरने की वजह पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब को दी गई कुरैशी की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस ले लिया है। 1 अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6 अरब 20 करोड़ का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नगद सहायता राशि शामिल थी, जबकि बाकी पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। इस समझौते के अनुसार शुरुआत में सऊदी ने पाकिस्तान को नकदी और तेल की सुविधा केवल 1 साल के लिए दी थी, लेकिन बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया। इस $3 बिलियन की नगद सहायता के लिए पाकिस्तान 3.3% की दर से ब्याज की अदायगी भी कर रहा है। चीन की दोस्ती के नशे में चूर पाकिस्तान लगातार सऊदी को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। वह उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ईरान से गलबैया करके सीधे सऊदी को चुनौती दे रहा है। इधर तुर्की के साथ मिलकर नए संगठन की रूपरेखा बनाने में भी लगा हुआ है। हद तो तब हो गई जब 3 दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को बड़ी धमकी दे डाली। कुरैशी ने ओआई से तार मुस्लिम मुल्कों के विदेश मंत्रियों का अलग से सम्मेलन करने तक का ऐलान कर दिया। सऊदी को समझने में देर नहीं लगी कि मदरसा पैदाइश अपने दोगलेपन पर उतर आई है और तुर्की के साथ मिलकर इमरान लोंडा पंछी बनकर उड़ने की फिराक में है। यानी कश्मीर मुद्दे पर लगातार मात खा रहे पाकिस्तान के लिए इस बार यह मुद्दा उसी की बर्बादी का कारण बन गया है, क्योंकि सऊदी का इतना कुपित हो जाना पाकिस्तान के वर्तमान हालात के लिए किसी मायने में ठीक नहीं है। सऊदी की नाराजगी पाकिस्तान को खाड़ी देशों से दूर करने के साथ ही मुस्लिम जगत में एंट्री तक बैन कर सकती है। चीन के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज खाड़ी देशों ने ही दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की एक नई पटकथा लिख दी है। खासतौर से इमरान लोंडा तुर्की के साथ मिलकर एंटी ओआईसी संगठन बनाने की योजना पर लगातार काम कर रहा है। तुर्की ऐसा करके एक साथ 2 निशाने साध रहा है। उसने पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर समर्थन के साथ नए संगठन में उसे प्रमुख मुद्दा बनाने का लालच दिया है। इसके साथ ही तुर्की सऊदी अरब की मुस्लिम जगत में बातचीत खत्म करना भी चाहता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को कर्ज देने से तुर्की सदैव बचता रहा है। केवल मौखिक बातें करके पाकिस्तान के अनाड़ी हुक्मरानों को एर्दोगन चूना लगाने पर लगे हैं। लगभग दिवालिया होने की मंजिल पर खड़े पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए था, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 90% होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इसी साल ही कर्ज चुकाने पर 2800 अरब रुपए खर्च करेगा, जो केंद्र द्वारा इकट्ठे किए गए राजस्व बोर्ड के कर संग्रह का 72% होता है। जबकि इमरान लोंडे के सत्ता में आने से पहले यही कर्ज 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो अब तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यानी जल्दी ही यह कर्ज पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर हो जाएगा, जो किसी मुल्क के दिवालिया होने की पहली शर्त है। इस भिखारी मुल्क के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब को धमकी तो इस अंदाज में दी है मानो पाकिस्तान एशिया की कोई बड़ी ताकत है, जबकि स्थिति है कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में ताजा 12 अरब डॉलर ही बचे हैं। उनमें 1/3 यूएस समेत खाड़ी देशों का योगदान है, बाकी IMF और चीन का पैसा लगा है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखे 12 अरब डॉलर भी कर्ज से मिली रकम है, जिनकी किसी भी वक्त इंशाल्लाह हो सकती है। पर सऊदी केवल पाकिस्तान को इतना ही बकसने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की दगाबाजी को देखते हुए उसने कई मोर्चे खोलने शुरू कर दिए हैं। जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान इस मामले को CPEC से जोड़कर देख रहा है। यानी मसला केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ पाक सऊदी के बीच गहरे मतभेदों की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। पाकिस्तान का मानना है कि सऊदी द्वारा पाकिस्तान पर कठोर एक्शन मोदी ट्रंप को खुश करने के लिए उठाया गया है। यह भी सर्वसत्य है कि सऊदी अरब में बिना अमेरिका के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यह खाड़ी देश वही करता है जिसके आदेश अमेरिका से प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान में बन रहे चाइना पाक आर्थिक गलियारे को लेकर अमेरिका बहुत पहले से ही विरोध में खड़ा है। 2 साल पहले जब इमरान सत्ता में आए थे तब वे CPEC के पक्ष में नहीं थे, मगर भारी कर्ज की दलदल में फंसे पाकिस्तान ने पिछले 1 साल से इमरान CPEC कर रट्टा लगा रहे हैं,
जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज में वृद्धि कर दी है। इमरान की 24 महीने की सरकार ने चीन से $3.5 अरब से ज्यादा का कर्ज लिया है, जिसकी एवज में सीपैक के मंसूबे को आगे बढ़ाने हेतु काम शुरू कर दिया है। पाक को लगता है कि अमेरिका सऊदी के माध्यम से सीपैक परियोजना को रोकने की कोशिश में लगा है। सऊदी ने जिस तरह आनन फानन में अपना पैसा वापस मांगा है, उसमें मोदी और ट्रंप का बड़ा हाथ है, ताकि पाकिस्तान पर कश्मीर पर वोट छीनने और सीपैक को किनारे करने का संयुक्त दबाव बनाया जा सके। वैसे आने वाले दिनों में यूए के साथ खड़ी करने देश भी पाकिस्तान से पैसे वापस लेने की सूची में शामिल हो सकते हैं, यानी चीन का साथ देने की कीमत पाकिस्तान को दिवालिया होकर चुकानी पड़ सकती है। पर बावजूद इसके लगता यूं है कि ये मुल्ला मुल्क सुधरने वाला नहीं है। भारत विरोध के नाम पर पाक की आवाम चीन की गुलामी की ओर बढ़ती जा रही है। कश्मीर के ख्वाब देखते देखते पाकिस्तानी एक ख्वाब होने की तरफ अग्रसर है। अगर खाड़ी देशों ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया तो यह देश पूरी तरह से चीन के हाथ में चला जाएगा। वैसे भी पिछले कुछ सालों से खाड़ी देशों ने पाकिस्तान को अहमियत देना बंद कर दिया है। अभी तक पाकिस्तान खाड़ी देशों को एटमिक इस्लामिक ताकत के नाम पर बेवकूफ बनाता रहा था, लेकिन मोदी की बालाकोट स्ट्राइक ने उसके परमाणु संपन्न होने पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यूं भी खाड़ी देशों को अब इस बात से कोई वास्ता नहीं रहा है कि पाकिस्तान का क्या असर हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कूटनीति कहीं बेहतर रही है, जिन्होंने गल्फ कंट्री से कभी अपने रिश्ते कमजोर नहीं पड़ने दिए। वे इन शर्तों पर भी नहीं अड़े कि इन मुल्कों की भारत के प्रति क्या नीति होनी चाहिए, मगर कुरैशी और इमरान जैसे जाहिल लोगों ने खुलेआम ध्वस दिखाने की जो परिपाटी विकसित की है, उसने पाकिस्तान का बैंड बजाना शुरू कर दिया है। इमरान ने अपनी मदरसा कूटनीति से इन देशों की कूटनीति प्रभावित करने की कोशिश की है। सऊदी और यूएई जैसे अमीर मुल्कों पर भारत को अहमियत नहीं देने का दबाव बनाया है, जो कि सीधा सीधा इन देशों के आंतरिक मामलों में दखल है। पर अंततः उसकी अति हो गई है। अब पाकिस्तान सऊदी के कोप भोजन का शिकार हो चुका है। यह मदरसा नीति के पतन और इस जाहिल मुल्क की बर्बादी के संकेत भी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।